ज्ञानतिमिराब्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन हृः तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागिक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायिक सिंधु लावण्य सिंधुर अमृत छविकेल सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदि केल सिंधु। श्री कृष्ण चैतन्य वृंदाय तुलसीदत्तय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद श्री भागवत रचित बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथारी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे किसको याद है? कल हम क्या सुन रहे थे? क्या कहेगा, कौन बोलेगा? कल हम लोग ने क्या सुन रहे थे पवन महाराज? हाँ कल को कौन बोलते सिंधर? हाँ जो लो जोर से बोलो। इसलिए गतकल हम लोग ने श्रवण किया था जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग मृदंग मजीरा लेकर की हरि कीर्तन कर रहे थे। लेकिन ये मुसलमान कभी भी आप नहीं देखोगे कभी ये कीर्तन करते हुए, जैसे हम लोग मृदंग पखावज और तबला और हारमोनियम इसको लेकर के हम जो कीर्तन करते हैं ये मुसलमान लोग ये सब चीज नहीं करते। इसलिए उस समय मुसलमान राजोता था, इसलिए जिसको सुन करके जो काजी था उसको बड़ा क्रोध आया, ये क्या हिंदू लोग ये हरे कृष्ण हरि हरे नमो कृष्ण ये सब क्या सब कर रहे हैं, हैं? ये सब क्या ढोंग रचा रहे हैं? इसलिए उन्होंने क्या किया, मृदंग को तोड़ दिया। कहते मृदंग कौन है? श्री बलदेव प्रभु। श्री बलदेव प्रभु 10 स्वरूप से भगवान की सेवा करते हैं, उसमें एक है श्री मृदंग है। इसलिए मृदंग कोई साधारण वस्तु नहीं। पर भक्त लोगों को क्या करता, खदेड़ दिया भक्तों को, मार पीट करके उनको खदेड़ दिया। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु सुने लोग तो कुछ दुखी हो गए, लेकिन महाप्रभु जब सुने बोले कोई चिंता मत करो, कल जगत में श्री महाप्रभु क्यों आए?
कहते ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्य हम। भगवान इसलिए इसी जगत में आते हैं जब जब धर्म की हानि होने लग जाए, अधर्म का प्रबलता बढ़ने लग जाए, तब तक भगवान इस जगत में आकर पुनः क्या करते हैं, धर्म को स्थापन करते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग में किस लिए आए, बोले कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन, एतद अर्थ अवतीर्ण श्री सचिदानंद महाप्रभु। इसलिए कलियुग में आए, कलियुग का जो युग धर्म हरि नाम संकीर्तन उसको पुनः स्थापन करने के लिए आए। इसलिए महाप्रभु से पहले क्या था, बिल्ला बिल्लियों का शादी, कुत्ता कुत्तियों की शादी, देवी पूजा में लाख करोड़ रुपया खर्चा करते थे, हैं? जितने उल्टा पुल्टा बलि चढ़ाना, जितने धर्म का विरोध काम होता था। लेकिन महाप्रभु किस लिए आए, पुनः ये हरि कीर्तन को प्रचार करने के लिए महाप्रभु कलियुग में आए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये चाह रहे हैं पुनः ये हरि कीर्तन को हम प्रचार करें। इसलिए महाप्रभु ने प्रचार किया था, लेकिन मुसलमानों ने बाधा दिए, लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, फिर हरि संकीर्तन को उन्होंने प्रचार किया। केवल प्रचार नहीं किया, महाप्रभु ने क्या बोले, बोले पृथ्वी ते आचेजत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हैवे वरना। एक दिन ऐसे आएगा पृथ्वी में जितने नगर शहर हैं, जितने गली सब जगह में मेरे नाम गूंज उठेगा, सुखी है या लोक मर गाइवे की कीर्ति, लोग सब प्रसन्न हो करके मेरे गुणगान और कीर्तन करेंगे। सचमुच से स्वामी महाराज का दीदी था ना, वाह जो उन्होंने गए और सारा दुनिया में ढालका मचा करके आ गए। अभी भी आप यूट्यूब खोलोगे तो अमेरिका में भक्त लोग कीर्तन करते हुए देखो, और उनको साथ में वहां के लोग भी सब मुड़ मुड़ा करके चुट्टी ढक करके गला में कंठी पहन करके धोती पहन करके, उन्होंने अभी भी वो सब के सब क्या कर रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे, हरि कीर्तन सब के सब कर रहे। पृथ्वी में सब जगह पर महाप्रभु का नाम है, इसलिए महाप्रभु का नाम सर्वत्र प्रचार हो रहा है। इसलिए महाप्रभु ये चीज को चाह रहे थे, पुनः ये हरि कीर्तन को धीरे धीरे लुप्त तो हो गया, भगवान का नाम क्या कीर्तन क्या लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जब हम लोग कभी कभी कीर्तन नाच कीर्तन कहीं अलग जगह पर करते, ये क्या चीज है, ये क्या हो रहा है, ये क्या नया, ये बोले कौन सा पार्टी है। कुछ भक्त लोग जा रहे थे कीर्तन करने के लिए, बोले भैया तुम लोग कौन सा पार्टी, बोले कीर्तन पार्टी, बोले एक तो कांग्रेस पार्टी और एक जनता पार्टी, आम दल पार्टी, ये नया पार्टी कहां से कीर्तन पार्टी आ गया है। इसलिए हम लोग कीर्तन पार्टी, इसलिए लोगों को, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, स्वयं उन्होंने प्रचार किया और उनको धारा में जो भक्त लोग आए हैं वो भी धीरे 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 उसमें प्रवर्तित होकर के अभी सारा दुनिया में महाप्रभु का नाम सारा दुनिया में घुसता है अभी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पुनः हैं, पुनः वो धर्म को महाप्रभु स्थापन करना चाह रहे हैं, लेकिन मुसलमान लोग बाधा देने चाह रहे हैं। लेकिन महाप्रभु हैं, महाप्रभु जो क्रोधित हुए, हम कल श्रवण कर रहे थे ना, कहते जम काल मृत्यु मोर सेवक दास, महाप्रभु जो क्रोधित हुए बोले मैं कौन हूं, बोले स्वयं जम काल मृत्यु मेरा सेवक का ये सब दास के दास हैं, इसलिए मेरे केवल एक दृष्टि प्रहार से ही कभी विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है, इसलिए संकीर्तन आरंभ मोहर अवतार, कहते मैं जगत में क्यों अवतीर्ण हुआ हूँ, बोले संकीर्तन को प्रचार करने के लिए जगत में मैं प्रकट हुआ हूँ, कीर्तन कर विरोधी पापी करी हूँ संघार। अगर ये हरि कीर्तन में कोई बाधा दिया तो मैं क्या करूंगा, उनको मैं संघार करूंगा। इसलिए महाप्रभु बोले चिंता मत करो, कल सब के सब दिवड़ लेकर के आना, बास कल काजी को पाजी को कल देखेंगे। और महाप्रभु पूरा अपना दल बल को साथ में गए और काजी तो देख करके बोले बाबारी इतना लो, इसलिए कल सुन रहे थे ना, कहते यहाँ तक भी स्वर्ग से देवता लोग उतर करके आ गए हैं, महाप्रभु का कीर्तन में मदद करने के लिए स्वर्ग से देवता लोग होकर आ गए। और दो हाथ में दो दिहुटी है मसाला, मसाला क्या मसाला, और दो हाथ में क्या कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, बोले दो फिर चार हाथ कहां से आ गया, बोले जब प्रकट हुए सबके सब जो नवद्वीप था गोलक वैकुंठ बन गया, गोलक
वैकुंठ बन गया, सबके सब दो हाथ से सबके सब चार हाथ हो गए, और सबके सब श्री सचिनंदन गौर हरि की, सबके सब महाप्रभु का जयकार देते हुए, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हे हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग हरि कीर्तन करते हुए सबके सब चल रहे थे हैं, और क्या किया, काजी को घर में गए और आक्रमण करते हुए बोले मारो पीटो और उसका मुंडी काट दो, और सारे भक्तों को इतना भक्तों को देखकर काजी भाग गया, और भक्त लोग गए उसको घर में, और एक एक पत्ता, इतने भक्त लोग थे, एक एक पत्ता जो आम का के लगा, एक एक पत्ता तोड़ते पूरा का पूरा घर भर ध्वस्त कर दिया, और काजी तो जाकर के छुप गया कहीं जाकर के, और काजी निकला नहीं घर से, और महाप्रभु उधर से भक्तों के साथ में वापस आते हुए किसको घर में गए, श्रीधर को घर में गए, है श्रीधर जी को घर में गए। कल हम लोग वर्णना कर रहे थे, श्रीधर ऐसे भक्त था, एकदम दीनहीन भक्त है, छोटी सी एक ही कुटिया है, छोटी सी एक कुटिया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उसको घर में गए, और महाप्रभु उसको घर में जाकर क्या किया, उसको जो आंगन था ना, आंगन में महाप्रभु भक्तों के साथ में कीर्तन किया, और उसको महाप्रभु उसका एक लोटा था, उसका एक गर्म लोटा था, फट्टे फुट्टे लोटे लोहे के, लेकिन महाप्रभु उसमें पानी पिया। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे, कहते यहाँ पर कहते हैं भगवान वस्तु नहीं देखते हैं, भगवान केवल प्रेम रे बस चैतन्य गोसाई, भगवान किसकी ऐश्वर्य को, किसकी प्रतिभा को चीज नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, उसकी हृदय में जो भक्ति है ना, भगवान केवल भक्ति वस्तु को देखते हैं, वस्तुओं को दर्शन नहीं करते हैं भगवान। इसलिए कल हम लोग ने श्रवण कर रहे थे, बोले दाम्भिकर रत्न पात दिप्प जलासने अच्छुक विकार कार्य ना देखे नयने, हैं कि जो व्यक्ति दाम्भिक है, अगर उनको पास में रत्न का पात्र हो, है रत्न का पात्र हो, लेकिन भगवान उसको तरफ में नहीं देखते हैं, जैसे श्री दुर्योधन है, जब भगवान गए क्या बन करके, शांति दूत बन करके, वो सोच रहा था ग्वाला गैया को पीछे पीछे जिंदगी भर डोला है वृंदावन की, है वन जंगल में रहा जिंदगी भर, और गैया को पीछे पीछे डोलता था, वो सब बढ़िया बढ़िया चीज कहाँ देखा, ए बढ़िया बढ़िया मिस्त्रियों को बुला करके, बोले ऐसे खाना बनाओ ना, है ऐसे छापान भोग 36 व्यंजन ऐसे बनाओ, वो ग्वाला को खिला पिला करके हाथ में बसीभूत कर दूंगा। इसलिए उसने क्या किया था, रत्न पात्र में है एकदम बढ़िया बढ़िया चकाचक उन्होंने चीज खिला बनाया था, लेकिन भगवान ने उस चीज को भगवान ने ग्रहण नहीं किया है, इसलिए दिव्य आसन को दिव्य रत्न को भगवान स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहते यहाँ तक भी भोजन करने का दूर की बात, उसका तरफ में उन्होंने आंख उठा करके देखा तक भी नहीं, लेकिन अल्प द्रव्य दासे और नादिले बले खाए, लेकिन अगर भक्त लोग क्या है, अगर देना भी नहीं चाहते है ना भगवान को, अगर थोड़ी सी कोई चीज हो, लेकिन भक्त देना नहीं चाहते, भगवान क्या करते हैं, भगवान भक्त द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, और अभक्त द्रव्य प्रभु उलटना चाहे, भक्त नहीं देने पर भी भगवान क्या करते हैं, उस चीज को जोर जबरदस्ती हाँ उसके हाँ उससे छिनातानी करके भगवान ग्रहण करते हैं, जैसे श्री किससे, श्रीधर से केला मोचा है थोर लाओ, महाप्रभु रोज उसका वस्तु को ग्रहण करते थे और लाते थे, सची मैया विष्णु प्रिया रोसी करती थी, ठाकुर जी को भोग लगता था, महाप्रभु रोज उसका वस्तुओं को ग्रहण करते थे। इसलिए बोले केला मचा बेचिया श्रीधर पाइल जहा कोटी स्वरे कोटी कल्पे ना पाई बेटा। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कहते श्रीधर ने केला मचा थोड़ को बेच करके, है हिंदी भाषा तो समझ नहीं पाते होंगे कि थोड़ जी क्या है, वो तो कहते भाई ये बंगाली लोग ट्यूबलाइट क्या खाते हैं इसलिए ये थोड़ कहते केले का फूल और उसका जो
बच्चा उसका, इसलिए इसलिए कहते महाभ्रम उसको उन्होंने बेच करके कहते वो जो वस्तु पाया है कहते कोटीश्वर कोटि कल्प ना पाई में था, कहते कोटीश्वर कोटि कल्प में भी वो वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, श्रीधर ने जो वस्तुओं को प्राप्त किया है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं महाभ्रम उसका प्रमाण क्या है, कहते सुदामा कृष्ण को नहीं देने पर भी भगवान ने क्या किया, जोर जबरदस्त निकाल करके उसका गठली से भगवान ने क्या किया, चिड़वा को सूखे चिड़वा खाए भगवान ने हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान भक्तों को ऊपर में कितने कृपा करते हैं, कितने कृपा करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवान का जो सेवक है भगवान का क्या है, कहते भगवान कहते अपना सेवक का कभी पिता बन जाते हैं, सेवक का कभी मैया बन जाते हैं, उसका भाई बन जाते हैं है? इसलिए कभी कभी भगवान अपना भक्तों का दास भी भगवान कभी बन जाते हैं, और कभी कभी भगवान भक्तों का प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं, कभी भक्तों के पास में भगवान बीक भी जाते हैं। कभी कभी क्या होता है भगवान भक्तों के पास में बीक जाते हैं, भक्त बेच देते हैं भगवान को, कहां पर बेच दिया भगवान, कहां पर भक्तों के पास में कहां पर बेच गए, हाँ देखो श्रीकांत ने पकड़ लिया। इसलिए कुरुक्षेत्र में भगवान वहां पर उन्होंने बिक गए, इसलिए जब सूर्य ग्रहण हुआ था सूर्य ग्रहण में सारे द्वारकावासी पहुंचे थे हैं, और वहां पर सारे ब्रजवासी लोग भी पहुंचे थे, इसलिए वहां पर नियम है वहां जो समक पंचकम फूल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत जुजुत्सव मामा कहा पांडवा सैव किम अकुर्वन संजय, कहते वहीं पर वहां पर है वहां पर कुंड है ब्रह्म कुंड, वहां पर नियम क्या है, नियम है स्नान करने का बाद जब सूर्य ग्रहण के बाद में स्नान करते हैं, स्नान करके नियम है वहां साधु संतों को देनी दक्षिणा देनी चाहिए, उसका बड़ा महत्व। इस बार जब हम लोग गए थे सब साधु लोग बैठे हुए थे और सब लोग ला करके स्नान के बाद में साधु संतों को कुछ कुछ वस्तु प्रदान कर रहे थे हाँ। कारण क्या बोले, कारण है जब हम भक्तों की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होने पर जीव को भगवान की प्रेम और भक्ति मिलती है, इसलिए नियम है देनी चाहिए। अभी नारद जी वहां पर पहुंचे, पहुंच करके सत्य भामा को बोले, बोले देखो सत्य भामा नियम है ब्रह्म कुंड में स्नान करके ब्राह्मण को संतों को दान देनी चाहिए, ऐसे नहीं घटिया चीज दो, नहीं सबसे बढ़िया चीज दो। कभी कभी क्या होता है ना जो ठाकुर का प्रणाम बाक्स में देखना जितना फटे फुटे नोट को डाल देते हैं, जो चीज नहीं चलता है वो चीज को क्या करते हैं कहाँ चले जाती है, ठाकुर का दरबार में चले जाता है। ठाकुर जी ऐसे बड़े दयालु है, जो चीज कहीं नहीं चले ठाकुर के पास में ठाकुर उसको चला देते हैं, ठाकुर का कृपा है ठाकुर जी वो चीज को ग्रहण कर लेते हैं ठाकुर जी, बल्कि घटिया चीज नहीं सबसे बढ़िया चीज ठाकुर जी को देनी चाहिए, दान दो। बोले सबसे बढ़िया चीज हमारा तो बढ़िया सबसे हम जगन्नाथ जी हमारे जीवन में बढ़िया हाँ, कृष्ण ही हमारे जीवन का प्राण प्रति, कृष्ण ही हमारे सबसे प्रिय है, बोले कृष्ण को दे दो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने संकल्प करके कृष्ण को ही बेच दिए। भगवान किसको पास में बिक गए, नारद जी को पास में भगवान बिक गए, बोले देखो मैं तो साधु संत हूँ अभी अब कृष्ण को मेरे को दे दिया, अभी तो इसको चेला बना कर ले जा रहा हूँ, अभी मेरा चेला हो गया दे दिया हमें, अभी इसको मोड़ मुड़ा करके छोटी रख देंगे तिलक कंठी पहना करके पास लंगोटी पहना करके, बोले चलो है मेरे साथ में चलो वृंदावन, चलो राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो। बोले नहीं हम तो कृष्ण को छोड़ ही नहीं सकते, बोले दे दिया दान है ना, बोले दे दिया तो आप थोड़ी ले जाएंगे, बोले और क्या मेरा चेला बन गया ना, मेरे को दे दिया मतलब चेला बन गया, भगवान वहां बिक गए। बोले अगर इसको वापस लेना चाहते हो और एक उपाय है, इनकी बराबर के सोना चांदी हीरे जवाहरात दान दे दो, बस फिर हम वापस दे देंगे। तराजू मंगाए और कृष्ण को एक तरफ में बैठा करके और सत्य भामा ने सारे श्रृंगार को उतार करके दूसरे तरफ में रख दिया, भगवान को साथ थोड़ी बराबर कर सकता है जगतपति जगन्नाथ, भगवान टस से भस्तक भी नहीं हुए, इतने में तो चिंता में लग गई, बोले ये क्या है कुछ नहीं भगवान टस से बस इधर उधर देखे, अभी रुक्मणी समझ गई वो भी सारे अलंकार को उतार कर रख दी, फिर वो भी कुछ नहीं हुआ, फिर कालिंदी को तरफ में देखा कालिंदी भी उतार दिया, लक्ष्मण को तरफ में देखा मित्र बिंदा 16108 रानियों का सारे अलंकार एक कट कर दिए, लेकिन भगवान टस से मस्तक भी नहीं हुई,
अभी क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए। उनको पता चला वृंदावन में श्री राधा रानी भी वृंदावन से आए, बोले राधा रानी को बुलाओ। राधा रानी को बुलाए, बोले सारे चीज को यहाँ से हटा दो और एक तुलसी पत्ता ले आओ, और उसमें राधा रानी अपना आंखों का आंसुओं से उसमें कृष्ण नाम लिख करके जब दूसरे तरफ में रख दिया ना, बस कृष्ण तो हल्का होकर ऊपर उठ गए, और जब तुलसी और कृष्ण नाम एकदम नीचे दब गया है, और सबके सब प्रसन्न हो गए। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृंदा देवी की, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए राम ना सकई नाम गुण गाई। गोस्वामी जी कहे तो भगवान राम स्वयं भी अपना नाम की महिमा भगवान स्वयं नहीं जानते हैं। इसलिए जिस समय पुतना आ गई ना, पुतना आ गई तो उसको बाद में मैया जसोदा क्या कर रही थी, द्वादश अंग में तिलक लगा रही थी, ललाटे के सवाई नमो उदर नारायण बक्के माधव कंठे गोविंद दक्षिण पार से विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम बामन थी। भगवान मन मन भास रहे, बोले बाबा रे मेरे नाम में इतने शक्ति, मेरे मैया मेरे नाम को द्वारा मेरे को तिलक लगा रही है, मतलब मेरे नाम मेरे को भी रखा करता है। भगवान का नाम जगन्नाथ तिलक लगाते है ना, है मैया रोज कृष्ण को तिलक लगाती है, ललाट के सवाई करके भगवान कहते मेरे नाम मेरे को रखा करता है, इतने महिमा मेरे नाम में इतने महिमा है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, फिर यहाँ पर भगवान इतने सेवक वत्सल है, इतने सेवक वत्सल है, इसलिए भगवान सेवक, भगवान की जो सेवक भगवान को पीक देता है, भगवान उसको पास में बेच जाते हैं। इसलिए इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जो भगवान का जो सेवक है ना, साधारण नहीं, एकातु भक्त जीवन भक्त निमंत त्वरा शंख चक्र चिन्ह। इसलिए भगवान जो कुछ धारण करते हैं अपना सेवक के लिए ही भगवान सब कुछ धारण करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, बोले अल्प भाग्य नामान्यो दास है न नाम, इसको याद कर लेना, याद है। इसलिए कहते अल्प भाग्य नामान्यो दास है न नाम, अल्प भाग्य दास नाई करे न भगवान। कहते चैतन्य भागवत में ना इतने अच्छे अच्छे प्यार लिखे गए, इतने अच्छी अच्छी प्यार लिख गई ना, अब सारे वेद वेदांत पुराण जो पढ़ोगे, जो श्लोक जो पढ़ोगे, उस श्लोक का सारे ट्रांसलेशन वृंदावन दास ठाकुर ये चैतन्य भागवत में सब उन्होंने ट्रांसलेशन करके दिया है, हैं? इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बोले अल्प भाग्य नामान्य दास है ना नाम। कोई कोई व्यक्ति दास सुनते बोले दास, हम दास बनेंगे, हम तो प्रभु बनना चाह रहे हैं, हम दास क्या बनेंगे, हम तो भगवान, हम तो प्रभु बनेंगे। लेकिन यहाँ कहते हैं अल्प भाग्य दास नहीं करें भगवान, साधारण भाग्य से भगवान किसको दास रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। सख्यात बलदेव प्रभु कृष्ण का दासो तो कर रहे हैं, सख्यात बलदेव प्रभु क्या कर रहे हैं, रम्मा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार चितपथ जगन्नाथ जी, स्वयं जगन्नाथ जी कर रहे हैं, स्वयं राधा रानी, उनका नाम ही राधा है, है? राधा मतलब क्या, कृष्ण न आराध्यते इति राधा, कृष्णम समा आराध्यते इति राधा। जो कृष्ण को हर समय सेवा करती रहती है, जब तक राधा रानी कृष्ण के लिए लड्डू नहीं बनाया ना, मोहन लड्डू छले वाले लड्डू खाए श्रीमद मंगल बगल बजाया दे हरि बोल। इसलिए जब तक राधा रानी वो लड्डू नहीं बनाती है, हैं काजू किशमिश बादाम दे करके प्योर घी में है लड्डू बनाओ ना, एक घर में बनाओ लड्डू, पता नहीं आस पास में सबको पता चलेगा किसके घर में लड्डू बन रहा है, मतलब ब्रज में जो लड्डू बनाते राधा रानी स्वयं जो लड्डू बनाती कृष्ण। जैसे हम लोग इधर लास्ट में क्या होता है, सब प्रसाद पाने के बाद लास्ट में मीठा खाते, रसगुल्ला छेना फोड़ जो कुछ हो जो खाते लास्ट में वो मीठा खाते है, उसी तरह कृष्ण लास्ट में क्या खाते है लड्डू। जब तक राधा जी की लड्डू जब तक श्याम सुंदर नहीं खाएंगी तब तक कृष्ण का पेट ही नहीं भरता है, लड्डू से ही पेट भरेगा, हैं? लड्डू से ही पेट भरेगा। अभी हम कहा ड्रामा देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग ड्रामा कर रहे थे उसी दिन जन्माष्टमी का दिन, ऑस्ट्रेलिया में वो लोग ड्रामा कर रहे थे, हम ड्रामा देख रहा था, उसमें यही था कैसे राधा रानी रोज है दुर्वासा जी ने राधा जी को वरदान दिया, तुम अमृत हस्ता बनोगे, जो कुछ तुम्हारे हाथ में बनेगी सब अमृत बनेगी। इसलिए राधा रानी क्या करती है रोज रोज नंद भवन में आकर के कृष्ण के लिए रसोई बनाती हैं और लड्डू बनाती हैं। लेकिन चटला कुटला कैसे पता चला,
बोले तेरी बहू रसोई बनाने का बहाना में जाती है और कृष्ण के साथ में खेलती कूदती रहती है, कृष्ण के साथ में मिलती है। हे जटिला कुटिला सुनते ही बड़ी क्रोधित हो गए, बोले नहीं हम और अपना बहू को यहाँ से जाने नहीं देंगे, हैं हमारी क्या जरूरत, हमारी बहू दूसरे घर में जाकर के क्यों रसोई बनाएगी, बोले खबरदार घर से निकल नहीं, हमारी बहू हमारी घर में रहेगी। अभी राधा रानी का हाथ में नहीं खाने पर जगन्नाथ जी का भोजन ही नहीं होता, अभी तो कृष्ण भूखे रह गए। कृष्ण जब भूखे रह गए इतने में कुंदलता कृष्ण के पास से भाभी लगती है, वो आई आकर के बोली कृष्ण तो राधा रानी नहीं जा रही है इसलिए कृष्ण का भोजन कुछ दिन से तो कृष्ण और खाना नहीं खा रहे। अभी राधा रानी भी कृष्ण विरह में बड़ी दुखी, राधा रानी कृष्ण को दर्शन नहीं हो रहा है, कृष्ण के लिए लड्डू नहीं बना पा रहे, भोजन नहीं, फिर कृष्ण भी भूखे हैं, इतने में क्या किया जाए क्या किया जाए। इतने में विशाखा ने राधा रानी को जाकर कानों में कुछ मंत्र दे दिया, बोले तुमको कुछ करना पड़ेगा, बोले क्या करना पड़ेगा, बोले सांप काटने का बहाना बनाओ, बोले मेरे को एक काला सांप ने काट दिया, लेकिन जब काट दिया अभी ओझा आएगा जो मंत्र पड़ेगा, कृष्ण स्वयं विंध्यावली रूप में आएंगे, कृष्ण स्वयं है विंध्यावली रूप में आकर के ये जहर को उतारेंगे। बस ऐसे ही किया, राधा रानी सांप काटने का बहाना करके इतने जोर से रोने लग गई, मर गई मर गई, मेरे को काला सांप काट दिया, प्यार से लेकर सर तक मेरे शरीर में आग जैसे लगी हुई, तो प्राण त्याग कर दूंगी। इतने में जटला कुटला जब सुने मेरे बहू को सांप काट दिया, अभी क्या होगा अभी क्या होगा अभी क्या होगा। इतने में पौर्णमासी ने कहा मथुरा से गर्गाचार्य का एक शिष्य आई जिसका नाम विंध्यावली, वो सांप उतारने का मंत्र जानता है और कृष्ण स्वयं विंध्यावली बनकर के कृष्ण स्वयं आए हैं। अभी पूरा कृष्ण तो एकदम स्त्री, कृष्ण तो बहुरूपिया है ना, इसलिए कृष्ण बहुरूपिया, कृष्ण बड़े सुंदर हैं, विंध्यावली बनकर के गर्गाचार्य की चेली बनकर के आ गए। बोले देखो एक काम करते हैं, अभी मैं एक यहाँ पर स्क्रीन खींच लो, मैं अंदर से मैं प्रश्न करूंगा, जो सांप है किसका सांप है, शंकर जी की गला में सांप रहता है, शंकर जी की गला में सांप है, ये सांप शंकर जी का, ये सर्प ने क्यों तुम्हारी बहू को काटा, अभी मैं उनको प्रश्न करता हूँ, तुम लोग सब सुन पाओगे। स्क्रीन खींच लिया, उसको अंदर से प्रश्न कर रही है विंध्यावली, बोले सर्पराज आप क्यों ये जटिला कुटिला की बहू को आपने क्यों दंशन किया। कृष्ण ने फिर दूसरा टोन बदला देती है, एक टोन तो प्रश्न करने का, दूसरा शंकर जी के। इतने में मेघ गंभीर स्वर में आवाज आया, बोले मैं हैं कहते मैं कैलाश से आया हूं, बोले क्यों, बोले ये मेरे जो प्रभु हैं सांप कह रहे हैं, कहते मेरे जो शंकर जी का प्रभु कृष्ण है, बोले ये जटला कुटला ने अपना बहू को नंदगांव में भेज नहीं रहे हैं और इनके हाथ में भोजन जब तक नहीं करे कृष्ण तब तक उनको भूख नहीं मिटती है, भोजन नहीं करते हैं और इन्होंने अपना बहू को जाना मना कर दिया, इसलिए शंकर जी क्रोधित होकर के मेरे को भेजे हैं। बोले भेजे तो तुमने उसको बहू को क्यों काटा, उसको बेटे को और उसको सास ननद को क्यों नहीं काटे, बोले इनका पूरा परिवार को मैं काटूंगा हैं, इनका परिवार को काटूंगा लेकिन धीरे धीरे, पहले उसका बहू को काटूंगा तो उनका दुख से बहू मरेगी, पहले इनका दुख से हैं उनको बेटा भी छटपट करेगा, सास ननद भी छटपट करेगा, द्वितीय नंबर में उसको बेटे को भी काटूंगा, तीसरे चौथे नंबर में उसकी सास जटला कुटला सब पूरा वंश में खत्म करूंगा। इतना सुनते ही हाँ जटिला कुटिला बोले हे सर्पराज ऐसे नहीं करना, मेरी अपराध हो गया, अभी मैं बहू को कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी बहू खूब जाएगी और खूब कृष्ण के लिए रसोई बनाए, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो, मेरी माफ कर दो। इसलिए यहाँ कह रहे हैं है? यहाँ पर कह रहे हैं जब तक सिर्फ राधा रानी का हाथ में राधा रानी भोजन नहीं बनाती है ना तब तक कृष्ण भोजन नहीं करते हैं, लास्ट में वो लड्डू खाते हैं है? लड्डू खाते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले अल्प भाग्य नामान्य दास है ना नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे ना भगवान, का भाग्य से भगवान किसको अपना सेवक रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। देखो जैसे गोलोक वृंदावन में है ना, यहाँ पर जो है ना यहाँ पर क्या है, ये ट्रेनिंग सेंटर है ट्रेनिंग सेंटर, जैसे कोई नौकरी पाने के लिए पहले ट्रेनिंग जाते हैं, अगर ट्रेनिंग पूरी हो जाए फिर उनको नौकरी मिल जाता है,
ये गौड़िया मठ क्या है? प्रभुपाद कहते हैं मैं गोलोक वृंदावन से राधा रानी की निकुंज मंदिर को मैंने ये गौड़िया रूप दिया है। ये गौड़िया मठ नहीं, प्रभुपाद कहते हैं राधा रानी के निकुंज मंदिर को मैंने यहाँ गौड़िया मठ रूप दिया है। गौड़िया मठ नहीं, गोलोक वृंदावन का राधा रानी का निकुंज है। जैसे राधा रानी का निकुंज में क्या होता है, जैसे सवेरे है वह आठ जाम है, आठ जाम आठ भाग से पूरा 24 घंटा को बांट दिया, तीन 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 घंटा करके 24 घंटा में बांट दिया। बांट दिया तो अभी वहां पर क्या होता है, वहां पर एकदम ब्रह्म मुहूर्त में मंजरी सखियां उठ करके स्नान करती हैं, नया कपड़े पहन करके तिलक लगा करके मृदंग करता ला करके मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्णेर जुगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल उदय मंगल आरती जागे भगत हृदय। हम भजन गाते हैं ना, ये गोलोक वृंदावन ये चलता है, ये गौड़ी मठ में क्या वही तो हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त से पहले भक्त लोग उठ करके स्नान करके तिलक लगा करके मजिरा करता ला करके संसार दावा नलली वही तो कर रहे। इसलिए कहते ये गौड़ी मठ नहीं, प्रभुपाद कहते हैं मैंने गोलोक वृंदावन से राधा रानी को निकुंज का मैंने यहाँ उतार दिया है। यहाँ पर जो जितने अच्छे तरह से सब नियम का पालन करेगा ना, बस मरने के बाद रजिस्टर खोलेंगे कौन कौन मंगल आरती में आते थे और कौन कौन मंगल आरती में नहीं आते थे। जो नहीं आते थे क्रॉस काट देंगे, वो जा नहीं सकता है, वो जा नहीं सकता है। क्यों? तो ट्रेनिंग सेंटर में तो फेल खुद पुजारी का तो पूरा नंबर लग जाएगा। हाँ, पुजारी है ना, हमारे जो गुरु हमारी जो गुरु जी के मठ में ना, देखो ध्यान देखो सुनो, सबको पुजारी दायित्व तो नहीं देते थे हमारे। अब हम मंदिर देखना जितने सन्यास लोग पुजारी करते, कभी पूजा ठाकुर को पूजा करना, हमारे जो एक गुरु भाई थे, एक गुरु भाई जो पूजा करते थे, वो गुरु भाई पूजा करते थे और एक गुरु भाई थे, उनको कोई साधारण सेवा करने के लिए वो गुरु भाई नहीं, बोले नहीं आप स्वयं इसी हाथ से शालग्राम को धारण करते हो, इसी हाथ से राधा रानी को श्रृंगार कृष्ण को अब श्रृंगार ठाकुर को खाना खिलाते, नहीं ये चीज में आप हाथ मत दिया करो, अब इसी हाथ से ठाकुर को, उनको वो हाथ में करने नहीं देते थे, उनको मना करते नहीं एक सेवा हम कर लेंगे अब, क्योंकि आप ठाकुर जी की साक्षात इन्हीं हाथों से साक्षात ठाकुर जी को, जैसे गिरिराज की सेवा करते हैं, गिरिराज की तिलक लगाते हैं, कौन लगाता है, ब्रज किशोर है। इसलिए ये वो कहते नहीं, इसलिए हमारे गुरु जी के मठ में ना जैसे तैसे व्यक्ति को मंदिर में भी घुसने नहीं देंगे, उसको ठाकुर का सेवा कर नहीं देंगे ठाकुर जी को। ये क्योंकि ये ठाकुर का सेवा कहते ना विग्रह तुम ना साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये विग्रह नहीं, ये विशेष रूप में जो भक्तों का सेवा को ग्रहण करते, इसलिए इनका नाम विग्रह है। इसलिए यहाँ पर साक्षात सेवा हो रही, साक्षात सेवा हो रही, इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में है, अगर बढ़िया से ट्रेनिंग लोगे बस वहां पर तो गोलोक वृंदावन में पूरा तुम्हारे लिए रास्ता खाली है पूरा। इसलिए प्रभुपाद ने ये सब चीजों को खोले हैं। यहाँ पर ये करते 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 क्या हो जाता है, ये धीरे 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 ये पता हमें नहीं चलता है, ये धीरे 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 हमारे अंदर में एक संस्कार पड़ जाती है। रोज मंगल आरती में आना, कीर्तन करना, बैठना, हरि कथा सुनना, देखो सवेरे से देखो कितना बजे जो मंगल आरती आते हैं, कम से कम 4 बजे उठना पड़ता है, स्नान पान करके 4:30 बजे आना पड़ता है ना। देखो तुम 4 बजे से लेकर 4:05, 6:07, 8:09, 9:30 तक यहाँ पर पूरा के पूरा कीर्तन कथा हरिनाम करो है, पूरा के पूरा 5-6 घंटा तक पूरा के पूरा मनुष्य में डूबा। ये बहुत बड़ी के संस्कार पड़ रहा है, हमें पता तो चल नहीं रहा है। कहते ना नेह विक्रम नास्ति प्रतपाय न विद्यते स्वल्पम अपस धर्मस्य त्रायते महत भयात्। इसलिए महत भयात् स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, माने अगर भक्ति धर्म को कोई थोड़ी सी आदर करता है ना, कभी ये जन्म मृत्यु का चक्र से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाता है। ये हमें ऐसे लग रहा है अरे क्या हम तो रोज आ रहे हैं कीर्तन का, नहीं ये एक संस्कार हमारे अंदर में पड़ रहा है, ये संस्कार है, यही संस्कार पढ़ते 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 ये यही वैधि भक्ति करते करते ये राग में परिवर्तन हो जाता है, यही वैधि भक्ति। इसलिए विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग करार प्रवेश, एक वैधि भक्ति जाजन करते करते धीरे 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 हृदय में भगवान के प्रति करते करते स्वाभाविक रूप में इसे हो जाएगा। मंगलार्थ में आए बगैर रह ही नहीं सकते, कथा सुने बगैर अगर कथा नहीं सुनेगा तो लगेगा जी आज मन पूरा खाली लग रहा है, आज जैसे कोई चीज कमी है, हैं आज हमने कथा ही नहीं सुनी। जब तक अगर ये भावना आ जाए ना, बात समझो बेड़ा पार तुम्हारे,
लेकिन अगर मंगल आरती में नहीं आए, सो रहे थे, सो रहे, ठीक है कोई बात नहीं, सोने दो, मंगल आरती होते रहो ना। इसका मतलब है कोई संस्कार नहीं, कोई संस्कार नहीं पड़ रहे तुम्हारे अंदर, कोई संस्कार नहीं पड़ रहे हैं, नहीं संस्कार। इसलिए प्रभुपाद ने सब चीज को बनाया है, इसलिए यहाँ ट्रेनिंग सेंटर, बढ़िया से ट्रेनिंग लो, हरिनाम कीर्तन ऐसे करो, आवेश, लास्ट में यही संस्कार जाएगा। अंतिम समय में कितना जम जम व्यापी शरण भाव तेजंत अंत कलेवरम तम तम एव कौंतेय सदा तद्भावे भावित। इसलिए जैसे स्मरण करते कर सारा जीवन अगर हम भगवान का नाम कीर्तन भजन करते करते अगर सारा जीवन ठाकुर की सेवा करते करते आएंगे, ये संस्कार पूरा के पूरा हमारे साथ में चलेगी, पूरा संस्कार चलेगी। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर नहीं लेवे लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये भक्ति हर जीवन में बढ़कर के प्रकट होगा, कभी घट करके नहीं, ये भक्ति हर जीवन में ये बढ़ करके ये भक्ति प्रकट हुई, ये भक्ति कभी घट करके नहीं होगी। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं इसका ब्याज समेत हमें अगली जीवन में ये ब्याज समेत हमें मिलेगी, इसको कोई नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, आगे है मुक्ति, दास कौन बन सकता है, आगे है मुक्ति, पहले संसार से मुक्त होगा, तापर सर्व बंधन नाश, उसको बाद में जितना ये संसार का बंधन है ये सारे बंधन टूटेगी, उसको बाद में कोई होते बारे दास दास, उसको बाद में कोई भगवान का दास बन सकते हो। ये दास बनना इतना साधारण बात नहीं, इसलिए हनुमान भगवान का दास कौन है, हनुमान जी भगवान का दास, देखो क्या पद है। भगवान राम की जितने पूजा हनुमान की उससे ज्यादा पूजा हो रही है, ज्यादा पूजा हनुमान की हो रही है, जितने पूजा भगवान की होती है उससे मतलब शंकर देवी की हो रही है, क्यों, वो देवी दास ही है ना, शंकर जी दास है, हैं शंकर जी दास है भगवान की, इसके इनकी ज्यादा जगत में इनकी पूजा ज्यादा होती है। इसलिए कहते भैया ब्रह्मा शिव लक्ष्मी सब दास दास जाता, सब के सब भगवान की दास दासी है। लेकिन कहते कृष्ण संतोष बड़ो भक्त है ना नामे, भगवान अपना भक्तों के नाम से बड़े खुश होते हैं कि भगवान के भक्त है जो सब कुछ छोड़ करके। इसलिए जिस समय श्री दुर्वासा जी है, दुर्वासा जी कहाँ किसके पास में पहुंचे, भगवान नारायण के पास में पहुंचे, जब पहुंचे उस समय भगवान नारायण दुर्वासा जी को कह रहे, बोले क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहते अहम भक्त पराधीन जय स्वतंत्र ईव द्विज, इसलिए मैं संपूर्ण रूप में भक्त भक्त हृदय, इसलिए भक्त मेरे को संपूर्ण रूप में मेरे हृदय को ग्रास कर लिया, मेरे भक्तों मेरे हृदय को संपूर्ण ग्रास कर लिया, मैं भक्तों को छोड़कर कुछ नहीं कर सकता। इतने में दुर्वासा जी ने कहा, बोले प्रभु आप हर समय भक्तों का साइड लेते हो, आप देख नहीं पाते हो आपका भक्त ने क्या गलती किया, ये चीज तो देखो, मेरे को निमंत्रण दिया और मेरे को बिना खिलाए खुद खा लिया है, उसका तो दोष देखे नहीं और मेरा दोष देख रहे है, मेरा दोष देख रहे हो, भगवान ने क्या, मैं अच्छे तरह से जानता हूँ है, मैं अच्छे तरह से, उन्होंने जो लिया केवल थोड़ी देर पानी लिया और एकादशी व्रत के लिए शास्त्र में ये भी बताया अगर थोड़ी सी पानी लो ना वो भोजन के अंदर में नहीं, और वो जो कुछ किया मेरी तृप्ति के लिए, मेरी तृप्ति के लिए। और जो दास अपना स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु सबको ठोकर मार करके जो केवल मेरे को आश्रय करते हुए जो जीवन बिता रहे, बताओ ऐसे दास को मैं कैसे त्याग दे सकता हूँ, वो तो मेरे सिवाय कुछ नहीं जानते है ना, सब कुछ छोड़ करके केवल मेरे शरण में आए, मेरे चरणों को उन्होंने एकांत रूप में आश्रय किया, मैं कैसे ऐसे भक्तों को मैं कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, इसलिए संभव नहीं, अगर मैं भक्तों का साइड नहीं लूंगा तो फिर दुष्टों का साइड लूंगा, इसलिए मैं कभी भक्तों का साइड कभी छोड़ नहीं सकता हूं। क्योंकि एकातु भक्त जीवन, भक्त ही भगवान की जीवन स्वरूप है। इसलिए यहाँ पर भक्तों का महिमा कहते हुए वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, उदर भरण लागी एबे पापी सब लवाई ईश्वर आमी बुल्ले जग जग चरत गव। लेकिन अभी कुछ क्या कह रहे, बोले तथा कहते तो कुछ लोग है, ये पापी लोग क्या कहते, अपना पेट पालने के लिए अपनी आप को ईश्वर बोलने लग गए, भगवान बोलने लग गए हैं। इसलिए गर्धव श्रीगाल तुल शिष्य गण लिया के बोले आमी रघुनाथ भाव किया, क्या कह रहे हैं, जो शरीर कैसे है
जो शरीर पंच रचित यह अधम शरीर टाटी पेशाब खून पी माल मूत्र का ही शरीर है, लेकिन ये शरीर को क्या कुछ क्या कह रहे हैं, ऐसे कुछ चले बना दिए, चले बना कर क्या कह रहे हैं, बोले हम रघुनाथ हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। कुकुर भक्त देह यहाँ लिया, जिस शरीर को कुत्ते खा लेते कीड़े मकोड़े हैं जिसको खा जाएंगे, ये शरीर में क्या बोल रहा है, कहता भगवान है। जैसे हमारे हमारे उड़ीसा में भी एक भगवान निकला था, कौन निकला था, पार्थ महाराज, पार्थ सारथी, हाँ सारथी महाराज है कोई एक भगवान। फिर हमारे उत्तर प्रदेश में एक निकला था, कौन है, हसाराम बाबू, सर पर मुकुट लगा दिया था, और एक और कौन था, राम रही, नाम ही रख दिया राम रही भगवान का नाम, सब जेल जेल में बंद है, सारे के सारे ये सब जेल में बंद है, हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ है ना, सब चीज वह सहन करते हैं, लेकिन जगन्नाथ किसकी अहंकार को सहन नहीं करते, ये जगन्नाथ फल तो देते हैं, कुछ फल देते हैं, लेकिन बाद में वो फल दिखा देते हैं, ये फल दिखा देते हैं जगन्नाथ जी, इसलिए इनको सामने कोई कपट फपट कोई चीज जगन्नाथ जी के सामने चलेगा नहीं। एक भगवान श्री जगन्नाथ भगवान है, हमारे कृष्ण राम भगवान, और कोई भगवान नहीं है। इसलिए कहते श्रीमन महाप्रभु श्रीधर के ऊपर में कृपा किया, और यहाँ पर कह रहे हैं कहते इनका कितना भाग्य, देखो ब्रह्मा शिव हैं जिसकी महिमा को देख करके आश्चर्य हो रहे थे, महाप्रभु श्रीधर के ऊपर जो कृपा की, कहते केवल भक्ति बस चैतन्य गोसाई, महाप्रभु किसको द्वारा वशीभूत होते हैं, केवल प्रेम को द्वारा भक्ति को द्वारा भगवान वशीभूत होते हैं। और महाप्रभु वहां पर क्या कर, जैसे कृष्ण रासलीला किया ना बंसीवट को नीचे, कहते वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कत्तो कल्प गेलो सही निसार कीर्तने, महाप्रभु जो उसी रात में कीर्तन किया जैसे रासलीला उन्होंने बंसीवट को नीचे किया था, यहाँ पर कीर्तन किया अभिन्न संकीर्तन ही रास है, कहते कितने कल्प बीत गया जिसको पता नहीं चला, बोले हाँ। इसलिए चैत चंद्र रे कुछ असंभव नहीं, भ्रुभंग जहार ब्रह्मांड प्रलय, इसलिए जिनके एक कृपा कटाक्ष से विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाते हैं उनके लिए कोई संभव नहीं, कहते अद्यापि वो सही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखिए, बोले अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु को लीला कर रहे हैं, लेकिन उसको कौन कौन दर्शन कर सकते हैं, कौन कौन बना भाग्यवान देखिए बारे वो लीला को, किसी किसी भाग्यवान लोग ही वो लीला को दर्शन कर सकते हैं। बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की, बोले श्रीधर ठाकुर जी की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रेमानंद गाई पड़ो आरती संध्या आरती गाई पड़ो।